हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी। तो देखिए आज हमारे घर में क्या बनने जा रहा है। हमारी मम्मी आज क्या मम्मी बना रही हो? मेथी। तो हमारी मम्मी आज मेथी बनाने जा रही हैं। देखिए हल्दी भून रही हैं और ये देखिए हल्दी यहाँ भुना हुआ रखा गया है। नहीं नहीं हल्दी नहीं, ये तिल है ना माँ? ये तिल है और वहाँ देखिए फ्रेंड्स वो बादाम है और वो सूखी नारियल है। तो देखिए फ्रेंड्स हल्दी मम्मी का तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है, बहुत ही अच्छा सोन सोन लग रहा है। और देखिए इसमें क्या क्या डालेंगी मम्मी, देखिए मम्मी काजू रखी हैं और ये किशमिश रखी हैं, ये भी इसमें डलाएगा डलाएगा ना मम्मी। देखिए मम्मी लोढ़ा से कूट रही हैं, काजू को छोटे छोटे टुकड़ा कर रही हैं और हमारी भतीजी नारियल काट रही हैं। वह देखिए बादाम को भूजा गया है और उस दाने को अच्छे से कूट रही हैं मम्मी, छोटा छोटा कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स हम भी मम्मी का मदद करा रहे हैं। मम्मी से आज हम सीख रहे हैं मेथी कैसे बनाया जाता है। हमारी मम्मी बहुत ही अच्छा मेथी बनाती हैं। देखो तो देखिए हमारा बादाम तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स मम्मी नया वाला चावल पिसा करके लाई हैं, चाल रही हैं छन्नी से और इसे छान करके निकाल रही हैं। और यहाँ देखिए थाली में क्या है, यहाँ पे थाली में तीसी है, तीसी भून करके और इसे मिक्सर में पीसा गया है। और यहाँ देखिए वो छोटे से बर्तन में गमले में क्या है, यहाँ पे मेथी है, मेथी देखिए। तो सब मटेरियल तैयार किया जा रहा है। एक हमारे घर में कन्या बहुरिया भाभी हैं, देखिए घूंघट में हैं और नारियल काट रही हैं। और हमारी भतीजी गुड़ का चाशनी बना रही हैं। तो देखिए अब हम हल्दी को इसमें मिलाएंगे। मम्मी इसमें चावल डाली हैं और इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं। अभी बताइए कितना डाली थी? आधा से ज़्यादा हमें लगा हो गई लगा। हाँ आधा हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया। और उसमें तिल्ली भी डाला गया है। अब मम्मी मिला रही हैं अच्छे से। देखिए अब मेथी का पाउडर मिलाया जा रहा है, उसे भून करके मिक्सी में पीसा गया था। तो देखिए दोस्तों अब हम इसमें सरसों का तेल गरम करके डालेंगे। आधा केजी है बस कदा, बस कदा हो गई वो मैं दे रही छोली देगा। हां छोली दे 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 छोली है जुली कल छू लावा जुली तू कल छू रखा बा कहां कल छू छू डाला हमारा के छोला नहीं दा ले जो कुछ ले हटा बुचिया किसी हटा रे कभी तो है बोला। मम्मी इसको चलाएगा
तो देखिए अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। बोलिए मम्मी। देखिए फ्रेंड्स ये देसी घी है, लगभग 1.5 केजी हम डाल चुके हैं। 5 केजी चावल में, हाँ, 1/2 केजी तेल, अच्छा, 1.5-2 किलो घी, 100 ग्राम तिल, 1/2 केजी मेथी। तो देखिए मम्मी बता रही है 5 केजी चावल में 1/2 केजी सरसों का तेल, 1.5 केजी लगभग देसी घी और 100 ग्राम तिल और मेथी, कितना मम्मी? 1/2 केजी मेथी इसमें डाला गया है और अच्छे से मम्मी मिला रही हैं। वो गर्म है इसलिए उसे छोलनी से मिलाया जा रहा है। मम्मी हाथ से मिला रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे हम लोग मिला रहे हैं इसको अच्छे से। वो काफी भर गया था गमले में तो हम दूसरे बर्तन में लेकर के इसे अच्छे से मिला रहे हैं। देखिए तो बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है, इसे मिला लिए हैं। अब देखिए मम्मी क्या क्या डाल रही हैं। ये है बादाम दाना, देखिए ये है नारियल, हो गई मम्मी? अच्छा काजू भी डले ना, काजू किशमिश। तो आज हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी मेथी बनने वाला है। अब मम्मी किशमिश डाल रही हैं। मम्मी सब कितना कितना डलाई लो? 1/2 केजी गड़ी। अच्छा 1/2 केजी गड़ी डलाया है फ्रेंड्स। 1 किलो बादाम, 1 केजी बादाम, 1.5 केजी किशमिश, 1.5 केजी किशमिश। तो देखिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हम सबसे पहले इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मम्मी गुड़ का चाशनी तैयार कर रही हैं, देख रही हैं कि चाशनी तैयार हुआ या नहीं। देखिए करछुल से कैसे चला रही हैं। देखिए ये हमारे यहाँ लकड़ी और गोइठा पे चाशनी तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ तो इसे गोइठा बोलते हैं इस ईंधन को, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए चाशनी अब तैयार होने वाला ही है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये ढबक रहा है। देखिए चाशनी तैयार हो गया, मम्मी चाशनी को ला रही हैं यहाँ पे। अभी इसमें जो मिलाया गया है हल्दी चावल जो भी ये सबको मिलाया गया है इसमें चाशनी को डालेंगी। देखिए मम्मी चाशनी को डाल रही हैं। चाशनी को छान करके डाला जा रहा है।
तो देखिए दोस्तों, अभी से अच्छे से मिलाया जा रहा है। तो देखिए अब ये तैयार होने वाला है। हम पकड़े हैं ऐसे ताकि मम्मी अच्छे से मिला सके। तो देखिए दोस्तों, अब कसार बंधाने लगा है। इसे ऐसे हाथों में लेके और हम ऐसे लड्डू जैसे बनाएंगे। देखिए मम्मी कैसे बना रही हैं, ऐसे ऐसे। अब लड्डू के डाल दो ये बदल दे मम्मी, ऐसे ना ठीक बा ना, चलो ये ले पकड़ दो ठीक बा। तो देखिए बिहारी लड़ुआ है, बिहारी लड़ुआ बोला जाता है, बिहारी लड़ुआ। तो देखिए हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं, अभी बहुत है इतना बनाने के लिए, अभी टाइम लगेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। तो आज हम मम्मी से सीखे मेथी बनाना, कैसे मेथी बनाते हैं। ए मम्मी, मेथी बनाना कहाँ सीखी आप? मेथी में तो सीखवे किए थे। अच्छा, ये सबसे ज्यादा हम ससुराल में सीखे हैं। कौन सिखाए? मेरी सासू माँ को बढ़िया बनती थी। अच्छा, दादी सिखाई है? घर में मेरी भैंस लगती थी। अच्छा, 13 किलो एक टाइम 13 किलो 26 किलो दूध होता था। साल में 16 टीना घी बटोर के रखती थी मेरी सासू माँ। अच्छा, बांधती थी एकदम टप टप। साल में 16 केजी घी, 16 टीना 16 टीना टीना बांधती थी ना, ऐसे ही हाथ में से टपकता था। तब तो मम्मी खाने पीने में सब घी इस्तेमाल किया जाता होगा? नहीं उतना तो इसे बाकी, हाँ खाली, हाँ खाना में सब घी से बनता था। अच्छा। पूरी बनता था, पुआ बनता था, हर चीज, एगो दही बड़ा छोड़ा करके। अच्छा, सब कुछ हम लोग घी में बनता था। खीर बनाने के लिए प्योर दूध में खीर बनता था। आतवार के दिन नहीं सधता था दूधवा ना, अतवरा ही भैंस थी, अतवार के दिन दूध कोई के नहीं दिया था। मम्मी इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। सब दूध के खीर बन जाता था, महल्ला वाला के माने बांट बांट के। अच्छा, हम लोग खिला देते थे। 26 किलो दूध औटाते औटाते, उसमें दूध के चावल कितना डालते थे ना? अच्छा, 1 केजी एक के जी 26 किलो दूध में। देखिए फ्रेंड्स, मम्मी बता रही हैं कि पहले के समय में कैसे घी ज्यादा यूज किया जाता था, और घी यूज करने से सबका तबीयत ठीक रहता था ना माँ। देखिए हमारे ससुर जी बहुत बढ़िया थे। अच्छा, कोई चीज टांग लेते थे, बहुत बहुत बढ़िया थे, बलवान थे। अच्छा, खाली घी में खाते थे, इसलिए दादी आप भी इतना घी डाल दी है। हाँ, इसीलिए डाली, जैसे हम देखे हैं उसे ही बनाएंगे। तो मम्मी ये कहाँ कहाँ भेजिएगा आप? ये भेजेंगे झारखंड जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जाएगा। अच्छा, ये किनके किनके लिए बनाई है? बेटा लोग के बनाए हैं, मझिला बेटा के जाएगा सासाराम। अच्छा, छोटका बेटा के जाएगा लातेहार। अच्छा, संजिला बेटा के जाएगा छत्तीसगढ़। अच्छा, एगो बेटा तो बहुत दूर है, तो उसको पास तो नहीं पहुंचेगा। अच्छा, मेरा 4 गो बेटा है, 2 गो बेटियां हैं, बेटिया के पास जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी कहाँ कहाँ भेजेंगी, और हमारे दोस्तों को भी भेज दो माँ। भेजेंगे तो मतलब तो ऐसे नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन इसी में तो कहेंगे कि बाबू खा लो, बहन लोग खा लो, बेटी लोग खा लो, तो नाती पोता खा लो, यही ना कहेंगे। अब कहाँ जा पाएंगे? अच्छा, तो देखिए मम्मी कह रही है हमारी, हम कैसे जान पाएंगे पता एड्रेस कैसे पहुंचा पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी कह रही है कि लीजिए सभी लोग खा लीजिए मम्मी के हाथ से बनाया गया मेथी, ताजा ताजा
बहुत ही अच्छा है मेथी, देखिए देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और आप खा करके बताइए कि मम्मी के हाथ से बना ये मेथी कैसा लगा आपको। मम्मी पहले मेथी बांधे समय तू गाना हमके सुनावत रहे, अब गाना नहीं कुछ सुनाओ, कुछ गाना गा दा गीत उत। हाँ अच्छा ठीक है, अपना बाबू जी का घर। हाँ हमारे दोस्तों लोग के सुना दा अपना दीपराज के, अच्छा दीप के, अच्छा गा दा, अच्छा दीप के लिए बांध रहे हैं, अच्छा उसके लिए गाना भी गा देना। हाँ गाना गा दीजिए, देखिए मम्मी मेरे भतीजे के लिए गाना आज गा रही हैं, आज आपको गाना सुनाएंगी, और छोटे से हैं उनके लिए आज मम्मी गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं, गीत नहले बानी घी वही लड़ुया अटल बानी दूध पियो नाले हुआ छे दीप बाबू जईब बड़ी दूर पियो ना खाइयो नाले दीप राजा बाबू जईब बड़ी दूर नाही खाइबो घी वही लड़ुया हो दादी नाही पियबो दूध रे आदमी दाना दादा ओला घोड़ावा जईबो बड़ी दूर आनी दाना चाचा के घोड़ावा जईबो बड़ी दूर। बस इतने गाना, अच्छा तो देखिए मम्मी गाना सुनाई, कैसा लगा आपको गाना मम्मी का। तो देखिए दोस्तों अभी ये तैयार हो गया है, और ये अब इसे लेकर के ऐसे अब खाया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको मम्मी के हाथ से बना हुआ मेथी, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।